वंदे मातरम दर्शक मित्रों, आप देख रहे स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजयकांत। आज उत्तर प्रदेश में सातवें चरण का मतदान चालू हो गया है। सातवें चरण के मतदान में भी लोगों में काफी उत्साह और उत्सुकता अधिक दिखाई दे रही है, लेकिन एक गंभीर समस्या हमारे सामने आई है। हमारे संवाददाता रामजी दुबे वहां पर उपस्थित है और मौके का जायजा लेते हुए उन्होंने हमसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। बात यह है कि कुछ इस तरह से बातें आ रही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हर जगह से, चाहे वह प्रथम चरण का रहा हो या अंतिम सातवां चरण का, लेकिन हर चरण में चुनाव में कई कई ग्राम में परिवार के दो से पांच सदस्यों तक का नाम गायब बताया जा रहा है। जी हाँ राम दुबे जी, राम जी दुबे जी, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है। जी राम जी दुबे जी, जी हाँ बोलिए। हाँ विजय, मैं इस समय जौनपुर के बढ़ेरी गांव से बोल रहा हूँ और यहाँ बड़े शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, लेकिन एक बात जरूर मेरे समझ में नहीं आ रही है कि अगर हम पिछले वोटरों की तुलना करते हैं तो यहाँ पे तमाम वोटरों का नाम गायब है। अगर पिछली लिस्ट में वो वोटर थे, पिछले चुनाव में वो वोटर थे, प्रधान के चुनाव में वो वोटर थे, तो विधानसभा के चुनाव में उनका वोटर लिस्ट से नाम कैसे गायब हो गया? यह एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है और इस पर सबको मिलकर के, मैं तो कहता हूँ प्रशासन को इस पे जांच करनी चाहिए और जांच सीधे वहां पहुंचनी चाहिए जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ता है या वोटर लिस्ट से नाम निकालता है। यह एक खड़यंत्र हो सकता है, बड़ा खड़यंत्र हमें प्रतीत हो रहा है और इससे बड़ा कोई खड़यंत्र नहीं है, क्योंकि अगर पिछले चुनाव में व्यक्ति वोट दे चुका है तो इस चुनाव में एक एक परिवार से तीन तीन पांच पांच सात सात लोगों का नाम गायब है, तो ऐसे लोगों का नाम गायब क्यों है? इस पे जांच बैठाना नितांत आवश्यक है और हम सूचना के साथ ही साथ पूरे प्रशासन से भी इस बात की मांग करते हैं कि इसकी जांच करवाए कि वोटर लिस्ट से नाम क्यों गायब हुआ। पहुंचाएंगे कि सरकार बनते ही इस बात पर एक्शन रिएक्शन होना चाहिए कि किन्होंने जो ऐसा गलती किया है, यह एक जांच का विषय है। चुनाव के पश्चात आने वाली कोई भी सरकार हो, उसे इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि किसी भी मतदाता का अधिकार उससे छीना नहीं जाना चाहिए और इस पर उनकी जवाबदारी बनती है, और जो अधिकारी इस गलती में पाया जाए उसके तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए, सिर्फ निलंबन ही नहीं करना चाहिए बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे अधिकारी पर होनी चाहिए ताकि ऐसी भूल चूक दोबारा ना होने पाए। बहुत अच्छा रामजी दुबे जी, हम फिर मिलते हैं ताजा समाचारों के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क। जय हिंद।